गुंबतुना पश्तो ज़बान में लफ्ज़ गुंबत का जमा है। इस इलाके में ये एक बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है। तोबरीकोट गांव से 6 किलोमीटर मगरिब की तरफ दरियाए स्वात के दाएं किनारे पर वाक़ है। ये आसार कदीमा 1000 से 1500 मीटर पर पहले हुए हैं, जिसे शमोजे रेंज के नाम से जाना जाता है। इसका जिक्र 1930 में ओरल स्टाइन ने हिंदुस्तान की आसार कदीमा की सर्वे के यादाश्तों में किया था। 1941 में हर्जर और राइट ने छोटे पैमाने पर खुदाई की थी और बाद में प्रोफेसर जी टोकी ने 1955-1956 में इनकी पैरवी की। पहले मरहले की खुदाई सिर्फ मुख्तलिफ हिस्सों तक महदूद थी जो बड़े स्टोपास पर मुश्तमिल थी। इन हिस्सों में 3 हिस्से बनाए गए थे, जिसमें दरमियानी हिस्से पर मौजूदा गुंबतुना गांव का कब्जा है, जबकि बालाई हिस्सा गारों, विहाड़ों और बस्तियों पर मुश्तमिल है। ये इसका ज़ेरी हिस्सा है जो कि मरकजी स्तूपा पर मुश्तमिल है, जिसको छोटे छोटे स्तूपाज और दीवारों ने जकड़ा हुआ है। मरकजी स्तूपा एक मुरब्बा बुनियाद पर खड़ा है, जिसकी हर तरफ 17 मीटर पैमाइश है, जिसकी ऊंचाई 3.7 मीटर और चौड़ाई 3.82 मीटर है। बदकिस्मती से ये मुनासिब देखभाल न होने की वजह से तबाहाल है, जिसमें जगह जगह खुदाई, गंदगी और गैर मुनासिब कब्ज़ा इसकी तबाही की अहम असबाब है। इस इलाके में 27 छोटे बड़े स्तूपे थे जो हमारे लापरवाही की वजह से अब यहाँ पर मौजूद नहीं और तकरीबन तबाह हो चुके हैं। ये स्तूपा मनसूबा बंदी में मुरब्बा है जो स्कार्टिया पैटर्न बैंड पर मुश्तमिल है। पोडियम या मुरब्बा प्लेंथ 3.9 मीटर बुनियाद मोल्डिंग के ऊपर से ऊंचाई पर खड़ा है। प्लेंथ को सबसे ऊपर इसकस्ट के सलेबों से हमवार किया गया है, जहां से कारबेलिंग प्लास्टर में बनाया हुआ कोरियन तैयार किया गया है। मेहराब के गोलाई के आसपास प्रोडक्शन या फेटा 0.20 सेंटीमीटर से 0.60 सेंटीमीटर तक चौड़ाई में मुख्तलिफ साइज के स्कर्स्ट के बड़े बड़े पत्थर के सलेबों के साथ हमवार हैं। चारों कोनों पर पहले डोल के अड्डे के आसपास कालमों के मुरब्बा अड्डे अब भी महफूज है, जिससे जाहिर होता है कि एक बार स्तूपा को 4 कालमों से सजाया गया था। वादी स्वात में दीगर स्तूपों पर भी इस तरह की आरायशी अनासिर पाए गए हैं। इस डोल की हेमास्फेरिकल साइज की गुंबद की ऊंचाई 4.80 मीटर और 10 मीटर कुतर बनाया गया है। मरकजी स्तूपे के चारों तरफ मुख्तलिफ साइज के 27 वोटेटो स्तूपे थे, जो मनसूबा बंदी में मुरब्बा शक्ल थे, जिसमें वोटेटो स्तूपा नंबर 16 और 27 जो सिर्फ डोल तक मौजूद है, बाकी सब अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये स्तूपाज इब्तदाई कुशन दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो 2वीं सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी तक जारी रही। ये अपने दौर की फनी तामीर का एक शाहकार है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको महफूज बनाकर अगली नस्लों तक मुंतकिल करें।